प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश की जनता से अपने विचार साझा किए। यह प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम का 86वां एपिसोड था। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजारों वर्षों के हमारे इतिहास में देश के कोने कोने में एक से बढ़कर एक मूर्तियां हमेशा बनती रही। इसमें श्रद्धा, सामर्थ्य, कौशल और विविधता भरी हुई थी। हमारी हर मूर्तियों के इतिहास में तत्कालीन समय का प्रभाव नजर आता है। जिन देशों में ये मूर्तियां चोरी करके ले जाई गई थी, अब उन्हें भी लगने लगा है कि भारत के साथ रिश्तों में सॉफ्ट पावर का जो डिप्लोमेटिक चैनल होता है, उसमें इसका भी बहुत बड़ा महत्व हो सकता है, क्योंकि इसके साथ भारत की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, भारत की श्रद्धा जुड़ी हुई है। पीएम ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत युवा अपने तरीके से भारतीय भाषाओं के लोकप्रिय गीतों के वीडियो बना सकते हैं। प्रधानमंत्री ने मात्र भाषा दिवस के संदर्भ में कहा कि जैसे हमारे जीवन को हमारी मां गढ़ती है, वैसे ही मातृभाषा भी हमारे जीवन को गढ़ती है। भारत भाषाओं के मामले में इतना समृद्ध है कि इसकी तुलना नहीं की जा सकती। हमें अपनी विविध भाषाओं पर गर्व होना चाहिए। पीएम ने कहा कि सेना में भी बेटियां अब नई और बड़ी भूमिकाओं में जिम्मेदारी निभा रही हैं और देश की रक्षा कर रही हैं। पिछले महीने गणतंत्र दिवस पर हमने देखा कि आधुनिक फाइटर प्लेन को भी बेटियां उड़ा रही हैं। बेटे और बेटियों को समान अधिकार देते हुए विवाह की उम्र समान करने के लिए देश प्रयास कर रहा है। इससे हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। कार्यक्रम के आखिर में पीएम ने कहा कि शिवरात्रि के साथ त्योहार नजदीक आ रहे हैं, होली का त्योहार भी आने वाला है। उन्होंने आह्वान किया कि सभी वोकल फॉर लोकल का पालन करें और स्थानीय बाजारों से खरीदारी करके त्योहार मनाएं। इन त्योहारों को धूमधाम से मनाएं, लेकिन सतर्क रहना भी ना भूलें। वाले स्टार्टअप को आइडेंटिफाई करके उन्हें सपोर्ट करना है। इस क्षेत्र में काम कर रहे युवाओं से मेरा आग्रह है कि वे इस चैलेंज में जरूर हिस्सा लें। साथियों, एक बार जब लोग मिलकर के कुछ करने की ठान ले तो वो अद्भुत चीजें कर जाते हैं। समाज में कई ऐसे बड़े बदलाव हुए हैं जिनमें जन भागीदारी, सामूहिक प्रयास इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। मिशन जल थल नाम का ऐसा ही एक जन आंदोलन कश्मीर के श्रीनगर में चल रहा है। यह श्रीनगर की झीलों और तालाबों की साफ सफाई और उनकी पुरानी रौनक लौटाने का एक अनोखा प्रयास है। मिशन जल थल का फोकस कुशल सार और गिल सार पर है। जन भागीदारी के साथ साथ इसमें टेक्नोलॉजी की भी बहुत मदद ली जा रही है। हमारा भारत तो भाषाओं के मामले में इतना समृद्ध है कि उसकी तुलना ही नहीं हो सकती। हमारी भाषाओं की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक सैकड़ों भाषाएं, हजारों बोलियां एक दूसरे से अलग लेकिन एक दूसरे में रची बसी हुई है। भाषा अनेक, भाव एक। सदियों से हमारी भाषाएं एक दूसरे से सीखते हुए खुद को परिष्कृत करते रही है, एक दूसरे का विकास कर रही है। भारत में विश्व की सबसे पुरानी भाषा तमिल है और इस बात का हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि दुनिया की इतनी बड़ी विरासत हमारे पास है। उसी प्रकार से जितने पुराने धर्मशास्त्र हैं, उसकी अभिव्यक्ति भी हमारी संस्कृत भाषा में है। भारत के लोग करीब 121, यानी हमें गर्व होगा, 121 प्रकार की मातृभाषाओं से जुड़े हुए हैं।